दसवें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें जयंती के मौके पर देश भर में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब में अलग ही रौनक देखने मिलती है। प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज पटना सिटी गुरुद्वारे पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी देश विदेश से लोगों का जुटान यहां देखने मिल रहा है। कोरोना के बावजूद श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं आई है। 2017 में ये आप सब जानते हैं, उसके पहले भी यहाँ काफी पूजा होती थी, सब जाते थे, लेकिन उसके बाद से और ज्यादा संख्या में लोग आते हैं और इस बार कोरोना है इसलिए इसके चलते बहुत सारा काम सीमित रखा गया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सब जगह से देश के कोने कोने से कितने लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये भूखी आप जानते हैं एक विशिष्ट स्थल है और हम लोगों के लिए तो ये भूखी खुशी की बात है, गौरव की बात है। और हर वर्ष जो भी 350वें साल से हुआ और उसके बाद तो हम लोगों ने आप जानते ही है गुरु नानक देव जी महाराज का भी शुरू किया, राजगीर में वो आए थे, शीतल कुंड है वहाँ पर भी कितना अच्छा सब कुछ का निर्माण हो रहा है। इस तरह से हम लोगों की जो श्रद्धा है उसको तो निवेदित करना था, अपना मुखट करना ये हम लोगों का कर्तव्य है, इसलिए आज जो फिर ये कार्यक्रम चल रहा है इसके बिहार करके अपनी श्रद्धा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1667 ईस्वी में पौष महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1723 विक्रम संवत को पटना साहिब में हुआ था। इस साल ये तारीख 20 जनवरी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद पटना साहिब पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, लेकिन साल 1675 में जब गुरु तेग बहादुर ने धर्मांतरण का विरोध किया तब तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया गया। इस घटना के बाद ही मात्र 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों के 10वें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन पटना साहिब में ही गुजरा। यही कारण है कि हजारों से लाखों श्रद्धालु हर साल पटना साहिब गुरुद्वारे पहुँचते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 350वें जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने काफी भव्य स्तर पर प्रकाश पर्व का आयोजन किया था। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार निगरानी की। उन्हीं के निर्देशन में ऐसा उत्सव मनाया गया। देश विदेश से आए सिख श्रद्धालु वाह वाह कर उठे। 350वें प्रकाश उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी। इसके बाद से हर साल पटना साहिब में प्रकाशोत्सव के मौके पर भव्य आयोजन किया जाता है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने इस साल किसी भी तरह के भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।